हेलो एवरीवन, सो दिस वीडियो रिगार्डिंग द QUPY SX एग्जामिनेशन 2021 सेशन, दिस इज ऑलरेडी कंप्लीटेड एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के रिव्यूज है, क्वेश्चन भी है, रिएक्शन भी है कि क्या सारा सीन है भैया, कैसा पेपर था। मेरे को तो पेपर ऐसा लगा था, और बच्चों को कैसा लगा, आपको कैसा लगा, जरा इसके बारे में कुछ बताइए। सो यार, एज पर हमारी कंजर्वेशन, पिछले अगर अपन जो पहले सेशन में हमने ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में बात की थी, और ऐसे एग्जामिनेशन के बारे में जब हमने देखा था तो जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का थोड़ा सा जो है लेवल का था और सारा नॉर्मल था। तो जस्ट लाइक ऐसे ब्रांच इट्स ओके, ठीक है। लेकिन अगर अपन आगे बढ़े और जब हम देखते हैं एस एक्स ब्रांच, राइट, सो इसका क्या सारा चिन्ह रहा है, एस बी ब्रांच का क्या सारा चिन्ह रहा है, राइट। सर, एज पर अगर अपन क्वेश्चन पेपर या फिर स्टूडेंट्स के रिव्यूज की अगर अपन बात करें, सो दस जो है KUPY मैथम फिजिक्स इज वेरी लेंथी, ठीक है। बड़े बड़े क्वेश्चन आए ऐसा सुनने में आया कि भैया बड़े बड़े क्वेश्चन आए थे, इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, राइट। मेजरली क्वेश्चन ये है कि अगर हमारा पेपर टफ होता है देन सभी का टफ होगा, कुछ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका टफ नहीं होगा, राइट, क्योंकि एक दो बच्चे होते हैं करीम तो, है ना, जिनके 100 में से 100 आएंगे, और तो एवरेज बच्चों के तो कैसे आएंगे। श्योर, जिन अगर आपको ऐसा लग रहा है, और बेसिकली मुझे भी लग रहा है, फिजिक्स में तो स्पेशली लग रहा है, राइट, क्योंकि फिजिक्स का पेपर दिस इज नॉट नॉर्मल, जो भी है IESC के जो भी प्रोफेसर्स ने बनाया है, या छोटे छोटे कोमल कोमल बच्चों के लिए इतना ऐसा कोई पेपर बनाता है क्या, वो भी फिजिक्स का। न्यूटन बाबा ऐसा करता तो शायद हम फिजिक्स पढ़ ही नहीं रहे होते, तो वह बहुत गलत किया तुम लोगों ने, जो भी बनाया है ठीक है, माफ़ किया तुमको हमने। सो अब हम क्या करते हैं, अगर आपका जो ये पेपर है वो टफ आया है देन बेसिकली आपकी जो कट ऑफ है वो डिक्रीज होगी, गिरेगी वो नीचे, ठीक है। तो आपका जो आप मान के चल सकते हो टॉप 100 जो रैंक्स हैं, आप 75 मार्क्स मान के चलो आप, ठीक है, 75% तक आप। और सेफ स्कोर की अगर अपन बात करें, सेफ स्कोर तो 55% मान के चलो आप, 55, ठीक है, 55 इच, समझे। अब एक क्वेश्चन ये था बच्चों का कि भैया हम करें क्या, हमने टेस्ट तो दे दिया, राइट, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, टेस्ट दे दिया अभी, अब इनको क्या करना है, कहाँ पे जाके अप्लाई करना है, क्या हमें अब कुछ नहीं करना है, क्या हमें रिजल्ट का वेट करना है, क्या सारा चीज़ है। सर, आपको जो भी इंस्टीट्यूट KUPY के थ्रू एडमिशन लेता है, जैसे स्पेशली आपने IESC का नाम तो सुना होगा, इंडियाज फर्स्ट रेपुटेटेड फर्स्ट रैंक के रिसर्च इंस्टीट्यूट इन ऑल ओवर द इंडिया, वो एक्सेप्टेड KUPY एग्जामिनेशन, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, ओके, एंड इंडियन रिसर्च साइंस एंड रिसर्च और इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन जो भी है, ICER, IISER, वो इज एक्सेप्टेड KUPY एग्जामिनेशन। सर, उसके जो सेपरेट अप्लीकेशन है ICER admissions.in, वहाँ पे रिलीज अभी जल्द ही होने वाले हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको सेपरेट आपका फॉर्म भरना पड़ेगा, आपके जो भी डिटेल है, मार्क्स है, जो भी वहाँ पे डालने पड़ेंगे आपको, ओके। फिर वहाँ की जो स्पेशल काउंसलिंग चलती है, और जो पिछले साल कितना कट ऑफ रहा था और क्या क्या वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस रहता है, उसका जो है जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा चैनल पे, तो आप उसके लिए बिल्कुल ना घबराएं। IESC के जो एडमिशन्स है ऑलरेडी रनिंग, अप्लीकेशन फॉर्म की आई थिंक लास्ट डेट मई के अंदर ही कुछ लास्ट में है, तो जस्ट IESC का भी आपने फॉर्म फिल कर दिया होगा। और भी बहुत अच्छे अच्छे रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट है जो कि एक्सेप्ट करते हैं KUPY एग्जामिनेशन को। और यार, इसका मेजर बेनिफिट KUPY का क्या है, बेसिकली मैं बता दूं आपको, यार दिस इज एन रिसर्च ओरिएंटेड स्कॉलरशिप, अगर आपका इंटरेस्ट है रिसर्च के अंदर, अगर आप देश को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, अगर कुछ आप रिसर्च में अपना योगदान देना चाहते हो, देन इसीलिए इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। इसके अंदर आपको जो है बेसिकली कुछ स्टाइफंड भी मिलता है, जो भी UG के बच्चे हैं उनको 7,000, जो PG के बच्चे हैं उनको शायद आई थिंक 12,000 पर ईयर का अलाउंसेंस मिलता है, एंड एक रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट IESC ICER SHA इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलता है, तो जस्ट यू कैन अप्लाई नाउ। थैंक यू सो मच, खूब पढ़ते रहिए, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए। जो भी बच्चे ऐसे ब्रांच से हैं, अगर आपको KUPY कोचिंग चाहिए
अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे नहीं थे देन यू कैन फिल द गूगल फॉर्म अवेलेबल इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चिल करिए, थैंक यू। और यार योर पेपर कैन डिसाइड योर लाइफ, एक बार याद रखना, ए वन पेपर कैंट डिसाइड योर लाइफ, ठीक है।